ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंडी शहर के ब्यूली चौक पर रात को नाके के दौरान एक नेपाली मूल के युवक को मंडी पुलिस ने 1 किलो 822 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी से चरस को लेकर कड़ी पूछताछ की जा रही है। मंडी शहर के ब्यूली चौक पर देर रात नाके के दौरान एक नेपाली मूल के युवक को मंडी पुलिस ने 1 किलो 822 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी से चरस को लेकर कड़ी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर मंडी शहर के ब्यूली चौक पर नाका लगा रखा था। इस दौरान वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच चंडीगढ़ से मनाली की तरफ जा रही एक हरियाणा रोडवेज की बस से तलाशी के दौरान ये युवक गिरफ्त में आया है। देखिए, कल रात करीब 8:45 के बीच में पुलिस थाना सदर की एक टीम रूटीन नाकाबंदी पर थी, तो जिस समय ये लोग नाकाबंदी पे थे और आने वाली वाहनों को चेक कर रहे थे, उस समय मंडी की तरफ से एक हरियाणा रोडवेज की बस जो थी उसको जब रोककर उन्होंने चेक किया तो उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम आसमान सनफ श्री जमान और वो रहने वाले हैं नेपाल के, उम्र 19 वर्ष, जब उनको चेक किया तो उनके पास जो उन्होंने बैग कैरी कर रखा था उसमें उनको 1 किलो 822 ग्राम चरस जो है मिली है, जिसमें नियमानुसार अन्वेषण दर्ज करने के बाद थाना सदर में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और आज जो आरोपी हैं उनको न्यायालय में पेश किया जाएगा और इनसे पुलिस रिमांड हासिल करके इनसे पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि ये चरस कहां से इन्होंने प्रोक्योर की थी और ये कहां पर उसको लेके जा रहे हैं।